के अयोध्या मंथन में कुछ खास नहीं निकला। हालांकि इसके संकेत पहले से मिलने लगे थे, क्योंकि कुछ पक्षकार उनकी इस पहल को शक की निगाह से देख रहे थे, तो कुछ लोगों को उनकी स्वीकार्यता पसंद नहीं थी। देखिए पूरी रिपोर्ट। श्री श्री अयोध्या पहुंचे जरूर, लेकिन एक तो खुद पर सवालों का बोझ और दूसरा विवाद की गहरी जड़। नतीजे की उम्मीद काफी कम ही लोगों ने की होगी। करीब दो घंटे तक मुलाकात का दौर भी चला, लेकिन निकला कुछ भी नहीं। खुद श्री श्री को ये कहना पड़ा कि बातचीत तो हुई, लेकिन इसमें दो तीन महीने का वक्त लग सकता है। हमारे भारत में बहुत संघर्षशील लोग हैं और चाहते हैं संघर्ष के बिना सहयोग से सब काम हो, तो इसका प्रयत्न मगर बहुत कठिन प्रयत्न है। ये उन लोगों के लिए ये नहीं कह सकते हैं हम 100 बार फेल होने के लिए हम तैयार हैं, मगर ये प्रेम से छोड़ने का मन नहीं है, प्रेम से करते चलेंगे। तो सवाल है कि क्या श्री श्री की बातों से पक्षकार सहमत नहीं हुए, या फिर कुछ पक्षकारों की गैर मौजूदगी की वजह से बात कुछ खास नहीं बन पाई। वजह जो भी है, लेकिन एक सच तो ये भी है कि श्री श्री की पहल पर सवाल भी ज्यादा उठने लगे हैं। किसी को मकसद व्यवसायिक लग रहा है, तो किसी को सियासी। मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ, श्री श्री रविशंकर जी अपना एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ चलाकर विदेश से पैसा लाएं, अपना घर भरें, उसकी जांच न हो। इतना अधिक पैसा आ गया है कि उनकी जांच न हो, शायद इसलिए वो राम जन्मभूमि में कूद पड़े। यह आंदोलन तीव्र गति से विश्व परिषद ने प्रारंभ किया था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रज्जू भैया लगे हुए थे। अयोध्या के संतों ने आंदोलन किया है, हमारे अयोध्या के संतों से पूछा नहीं गया और ये कह दिया कि मैं समझौता करूंगा। कौन होते समझौता कराने वाले? जब भी कोई इलेक्शन आए, चाहे एमपी का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे चेयरमैनी का हो, चेयरमैनी का इलेक्शन चल रहा है और ये इलेक्शन का दौर है। हमको तो लगता है रविशंकर जी वो इलेक्शन के जो है प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए उनको भगवान का नाम याद आ गया होगा, क्योंकि राम मंदिर जब भी कोई इलेक्शन आता है तो लोग यही कहते हैं कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो हमको तो यही समझ में आ रहा है कि इलेक्शन का प्रचार करने के लिए वो आ रहे हैं। श्री श्री का अयोध्या मिशन जिस तेजी से सुर्खियों में आया था, उसी अंदाज में दम तोड़ता भी नजर आ रहा है। मौके की ताक में बैठे लोग तो अब इसे सर्कस भी करार दे रहे हैं। Has he spoken to the All India Muslim Personal Law Board? No. Has he spoken to the Chairman of Sunni Waqf Board? No. Both of these people do not want to speak to him. He is speaking to jokers. He is speaking to freeloaders. And in fact, yesterday it was reported in media that one delegation went and met Rajnath Singh, and someone impersonated someone. And the Home Minister does not know. What is this? This is a circus or what? There should be some seriousness to the issue, which is not there. Everyone which is going over there wants to be get some highlight from media. No one is going to speak to this person which you have just mentioned. सिर्फ मुस्लिमों की ओर से ही नहीं, बल्कि नाराजगी तो हिंदुओं की ओर से भी है। वीएचपी ने तो बैठक में शामिल होने से इनकार भी कर दिया। वैसे अयोध्या मंथन में तत्काल कुछ नहीं निकलेगा, इसका इशारा तो यूपी के सीएम योगी ने भी कर दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि बातचीत के लिए अब बहुत देर हो गई है। तो क्या ये माना जाए कि वाकई अयोध्या विवाद का समाधान अब बातचीत से मुमकिन नहीं है? क्या अब सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र रास्ता बचा है? और अगर यही सच है तो फिर क्या श्री श्री को इसका अंदाजा नहीं था? बहरहाल अब 5 दिसंबर से मामले की सुनवाई शुरू होने वाली है। देखना होगा कि इसमें पक्षकारों के बीच सुलह होती है या फिर कोर्ट कोई फैसला देता है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।